वैसे तो यह पहली बार नहीं हुआ है कि भारतीय क्रिकेट टीम 10 विकेट से वनडे मैच हार गई हो, लेकिन इस हार ने रोहित शर्मा की कप्तानी पर एक सवालिया निशान जरूर लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ष 2020 में विराट कोहली की कप्तानी में भी भारत 10 विकेट से वनडे हारा था और कुछ समय बाद कोहली की कप्तानी चली गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच सीरीज जीतकर हीरो बने रोहित शर्मा का इस हार को लेकर केवल यह कह देना कि हमने अपनी क्षमता के अनुरूप खेल नहीं खेला काफी नहीं है। भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का यह दूसरा लगातार मैच जिसमें भारतीय टीम का प्रदर्शन उस स्टैंडर्ड का नहीं रहा जिसके लिए उसे जाना जाता है। मुंबई में खेले गए पहले वनडे में भी टीम जैसे तैसे हार को टाल सकी, जहां उसे केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने ना बचाया होता तो शायद मैच हाथ से निकल ही गया। विशाखापट्टनम में खेले गए मैच में भारतीय बैटिंग ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। रोहित शर्मा 13, इन दिनों के स्टार बैटर सुमन गिल 0, विराट कोहली ने भारतीय पारी में अधिकतम 31 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव का बल्ला इन दिनों सोया हुआ है और वो लगातार दूसरी बार शून्य पर आउट हुए। सूर्य कुमार पहले ही गेंद पर आउट होकर पैवेलियन लौट गए। मुंबई में जीत के हीरो केएल राहुल ने 9, पिछले मैच के कप्तान हार्दिक पांड्या ने 1, मुंबई की टीम में अहम भूमिका निभाने वाले रविंद्र जडेजा ने 16, ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने नाबाद 29 रन बनाए। निचले क्रम की बैटर की तो खैर बात करना ही उचित नहीं होगा, फिर भी कुलदीप यादव 4, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने 0 रनों का योगदान दिया। कुल मिलाकर 26 ओवर में टीम इंडिया 117 रन बनाकर पवेलियन लौट आई। भारतीय पारी का कमाल यह रहा कि आधी टीम को मिचेल स्टार्क ने आउट किया, जबकि भारतीय बल्लेबाज मिचेल की अच्छी पिटाई भी कर रहे थे। मिचेल ने 8 ओवर में 53 रन दे डाले, यानी भारतीय बल्लेबाज मिचेल पर चांस लेने के चक्कर में आउट हुए, जबकि वे कैमरून ग्रीन, सान एबाट, नाथन एलिस और एडम जाम्पा को संभाल कर खेलते रहे। जाम्पा तो 2 ओवर ही करा पाए। यहाँ स्टीव स्मिथ की कप्तानी की तारीफ करनी होगी, जो उन्होंने मिचेल से एक छोर से गेंदबाजी जारी रखी। अब बात रोहित शर्मा की कप्तानी की। विराट कोहली की जगह कप्तान बने रोहित का टीम में आना जाना लगातार लगा हुआ है। T20 की कप्तानी रोहित से लेकर हार्दिक पांडे को दी जा चुकी है। वनडे में भी अब लग रहा है कि रोहित लंबी कप्तानी पारी नहीं खेल पाएंगे और यह कप्तानी भी हार्दिक पांडे के पास चली जाएगी। रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट में आने में काफी लंबा समय लगा था। वनडे में वह वर्ष 2007 में ही पादार्पण कर चुके, जबकि पहला टेस्ट मैच उन्होंने वर्ष 2013 में खेला। ऐसे में टेस्ट टीम की कप्तानी भी रोहित के पास कब तक रहेगी कहना बेहद मुश्किल है। पूरी संभावना है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद भारत को नए टेस्ट कप्तान की जरूरत पड़ जाए। यह समय की मांग भी है। T20 और वनडे में हार्दिक अच्छे कप्तान साबित होंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है, लेकिन टेस्ट के लिए टीम इंडिया को निश्चित रूप से किसी अनुभवी खिलाड़ी को कमान सौंपनी चाहिए। फिलहाल रविंद्र जडेजा या रविचंद्रन अश्विन ऐसे खिलाड़ी नजर आते हैं जिनसे 2-3 साल टेस्ट टीम की कप्तानी कराई जा सकती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को चाहिए कि वह टेस्ट टीम को T20 और वनडे से बिल्कुल अलग रखे। फिलहाल तो भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज का जो अंतिम मैच 22 मार्च को चेन्नई में खेला जाना है, उस पर टीम इंडिया को अधिक ध्यान देना चाहिए। चेन्नई का मैच फाइनल की तरह हो गया है। यदि पहले 2 मैचों से कोई सबक कप्तान रोहित शर्मा ने नहीं लिया है तो वनडे सीरीज से हाथ धोना निश्चित है।